बाघ था या तेंदुआ था, लेकिन कुछ सेकंड का हमारे कैमरे में कैच हुआ वो भी मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज मैं एक ऐसी जगह पर जा रहा हूँ, है तो डेंजर, क्योंकि वहाँ पर मुझे भी पता लग गया है कि ऊपर कहीं पहाड़ में बाघ आया है और गांव के लास्ट छोर पर वो घर है और बाघ ने वहाँ काफ़ी पशुओं को नुकसान पहुँचाया है। तो मैं उन लोगों से भी मिलवाऊँगा जिनका बाघ ने नुकसान किया है और कितना नुकसान किया है। और मेरे साथ हमारे साथी ये भी देखो, ये क्या ले रखा है आपने? ये वो बाघ को मारने के लिए हथियार है ये। तो भाई ये भी अपनी तैयारी के साथ और साथ जाएंगे हम। ये मैडम देखिए, ये क्या कि आप भी बाघ के लिए? तो भाई ये भी अपने हथियार ले गए, यानी कि हौसले बुलंद है इनके, बेशक दिल्ली से आए हैं। तो भाई मैं इनको यही कह रहा हूँ कि भाई जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाना, अब चलते हैं उस जगह पर। चलिए चलिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम, कुछ दूर तक तो हम बाइक पर जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, और उसके बाद हम रास्ते में बाइक को छोड़ेंगे, और बाइक को रास्ते में छोड़कर फिर हमें पैदल ही सफ़र तय करना होगा, और देखते हैं क्या क्या माहौल मिलता है ऊपर। तो मेरी गर्दन पर लगा। ये रास्ता है ना, आंख में मच्छर घुस गया यार। तो भी हम चलते चलते आ गए उस जगह पर, और उस जगह पर जाने से पहले रास्ते में हमारे प्रधान जी, इनका घर पड़ता है और ये हमें यहाँ पे मिल गए, तो क्यों ना इनसे भी दो बात करी जाए। जो ये बाघ और जो यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है और कई बार तो आदमियों पर भी अटैक करता है। तो प्रधान जी नमस्कार। तो प्रधान जी ये बताएंगे, जो ये पांडे गाँव है, इस गांव के अंदर बाघ का अटैक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आजकल? बाघ का अटैक तो हो ही रहा है सर। जी जी जी, हमसे भी इस बीच में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो वन विभाग इसके बारे में कुछ कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है? करता है, आपको हम इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा अच्छा। अभी हाल में यहाँ पर बकरियाँ मार दी। जी जी जी, और भी मारते रहता है, ये तो यहीं पर की घटना है, लेकिन गाँव में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बल्कि पिछले कुछ टाइम की बात है,
दस पंद्रह दिन पहले तो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो बाघ रास्ते में आ गया, तो फिर बच्चे स्कूल जाना छोड़कर घर को लौट गए। अच्छा, ऐसी भी घटना आया। तो यहाँ पर ऐसी भी घटना हो रही है कि बच्चों का स्कूल का रास्ता और उसके बीच में बाघ का आ जाना, तो भाई ये ताज्जुब और डर की बात है। और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेकिन हमने तो अपना इंतजाम किया है, इंतजाम भी किया है, हमारे साथी ने तलवार और दराती ली है। देखो इन दरातियों से क्या होता है, यहाँ की महिलाएं अपना खेत में काम भी करती हैं, घास भी काटती हैं, लेकिन ये अपनी जीवन रक्षा के लिए भी हथियार जरूरी। ये यहाँ से ओहो रास्ता है जान रोग है, देखो बिल बड़े 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 सुरंगे हैं इसके अंदर, तो बाघ तेंदुए यहाँ से कुछ भी जा सकता है भाई। रास्ता बड़ा डेंजर है, और कुछ दूर जाके हमने बाइक भी छोड़नी पड़ेगी रास्ते में। है तो डेंजर जगह, ये देखिए दूर कहीं आबादी से कहीं आवाजें आ रही हैं। ये तो भी हमारे साथी कह रहे हैं ऐसी जगह हमें नहीं आना चाहिए, तो मैंने पहले ही कहा था अपने रिस्क पे आना, और इन चीज़ों में डर तो है ही, वहाँ तो बड़े बादशाह और बड़े चौड़े दराती तलवार दिखा रहे थे ये लोग कि भाई हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार ले रहे हैं, हम नहीं डरेंगे, हम चलेंगे, और अब कह रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो भाई कुछ भी एक है, रिस्क तो है ही, डर तो है ही, और एक ट्रेलर हम देख चुके हैं जानवरों का। तुमने पहले क्यों नहीं बताया किधर किधर था? इस तरफ गया, इधर गया है। हाँ। वही तेंदुआ था जो मैं बता रहा था। हाँ। तुझे नजर आ रहा था? कौन था ये? क्या ना ओ था ये? ना रे यार क्या बात है, तो तुमने ओ भी था ये? इसने बोला जब मैंने ऑन करा है। तो भी हम उस घर में पहुंच रहे हैं जिस घर में बाघ ने अटैक किया था, और वहाँ बकरियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। देख के आना, रास्ता थोड़ा तंग है यहाँ से, तो नहीं है ये, लेकिन शेर से भी कम नहीं है ये। अरे बेटा, इन लोगों का बकरी का गोट है, इसके अंदर भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह ये लोग रखते हैं, और ये कह रहे हैं कि जी हमारा काफ़ी नुकसान किया है, कई बकरियों को मार दिया, कई बार गाय वगैरह पर भी अटैक करता है। और मैं इनसे पूछता हूँ, आपकी कितनी बकरियों का नुकसान किया है? तीन बकरियों का नुकसान किया है। सरकार ने कोई मदद करने की बात कुछ कहा? हाँ, किया है, लेकिन अभी कोई अभी मदद नहीं हुई है, आश्वासन दिया है। तो भाई आश्वासन तो दिया है, मदद भी मिलेगी, और लेकिन यहाँ का जीवन इतना कठिन है क्योंकि जीव जंतु जानवर इतने हैं यहाँ पे। हालांकि ये लोग अपना इनका अपना मुर्गी फार्म भी है ये, और देखो इन लोगों का जीवन पशुपालन पर ज़्यादा टिका हुआ है, और ये इन लोगों का घर है। और लेकिन आप देखेंगे दूर दूर तक कहीं बाड़ या कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है कि उस बाघ से मतलब रक्षा करी जा सके, क्योंकि दूर दूर तक देखो सिर्फ घर है इनको सिर छुपाने के लिए। आप भी फिर रात में बाहर निकलते हो? कम निकलते हैं, डर तो लगता ही होगा। तो कह रहे हैं मजबूरी में निकलते हैं लेकिन डर लगता है, और भाई किशन का है कि डर के आगे जीत है, जीना है तो जीतना पड़ेगा, लेकिन कई बार इन लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान भी होता है। तो आप लोग घास काटने जाते हो तब भी तो कई बार जानवर आ जाते होंगे वहाँ पे? दिन में नहीं आते हैं, सर पशुओं पे ही अटैक करता है, कर देता है सबका ही करता है, कभी-कभी सबका ही करता है। और पीछे से सुनने में आया कि स्कूल के बच्चों के रास्ते में भी बाघ आ गया था। आया था। तो भाई यहाँ ये चीज़ें घटना घटती रहती हैं, लेकिन फिर भी जीना तो है इन्हीं जानवरों के बीच में। पहाड़ में ये कुछ दिखाई देगा नहीं,
और अंधेरा होता जा रहा है और सूरज की रोशनी भी मध्यम हो गई है, तो हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। नीचे आवाज आ रही है। तो भाई अब हम चलते हैं वापस। तो ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना, आप बच्चों की याद आ रही है, कह रही है हमारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ क्यों गए हम, तो ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था इन लोगों को। जान पे आई तो बच्चों की याद आई, ये इनका काम है भाई। और हमारी बाइक कहीं उस पहाड़ के उस तरफ, हमने बाइक को छोड़ दिया और हम पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। जानवर है कोई यहाँ ऊपर की तरफ है जानवर, तुम शोर मत करो और बाइक को यहीं छोड़ो, उतरो फटाफट उतरो, आवाज़ मत करना। हो सकता है बाघ भी हो सकता है, शोर मत करना, अपने हथियार संभालो। दिख रहा है क्या? ऊपर कोई जानवर है शायद, तुमने कैमरा करना चाहिए था ना, वो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ कहीं झाड़ियों में चला गया है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आओ। तेंदुआ है यहाँ, घुमाओ। घुमाओ आगे आ जाओ, आगे बन जाती आज वीडियो फिल्म, अभी आ जाता वो। मर्द को दर्द नहीं होता, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स हमने वो घर भी दिखाया जहाँ पर बकरियों के ऊपर बाघ ने अटैक किया, और हमें हमारे कैमरे की एक थोड़ा सा भागता हुआ बाघ भी दिखाई दिया, लेकिन वो कुछ सेकंड का ही वीडियो हमारे कैमरे में कैद हो पाया, कैच किया तो कुछ सेकंड का ही सीन कैच कर पाए, और भाई वो हमारी बाइक के सामने से दौड़ गया। तो भाई था तो